बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द कंट्री। आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो है टाइपिंग के हवाले से कि आप टाइप करके एक पेज के साथ अगर आप एक पेज टाइप करेंगे तो आपको उसके $10, उसके बाद अगर आप एक पेज से ज़्यादा जो है वो आप टाइप करते हैं तो फिर आपको उससे $20-30 रोज़ाना के अर्न आप कर सकते हैं और उस हिसाब से आप मंथली वीकली जो है ये 24/7 आवर्स जो है वो आपका काम होगा, यानी आपका पूरा आपको कोई छुट्टी नहीं है, जब जितना चाहें आप काम कर सकते हैं और आप कमा सकते हैं। बहुत सारी आपने टाइपिंग की जॉब्स तो देखी होंगी ऑनलाइन, आपको हर एक बता रहा है कि ये टाइपिंग की जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आपको मैं जो टाइपिंग की जॉब बताऊंगा इससे आप जो है घर बैठकर बआसानी अपनी हैंड सम मनी आप जनरेट कर सकते हैं जो आपको कहीं भी से भी नहीं मिलेगी। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊँगा जो आपने अगर स्किप कर दिए तो फिर जो है आप उस टाइपिंग के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको टाइपिंग के हवाले से जितनी मैंने अर्निंग बताई है वो अर्न नहीं कर सकते। तो उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को पूरा देखें समझें, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जितनी आपके लिए मेहनत करते हैं जहां जहां से ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज के जरिए चीज़ें लेके आते हैं तो उसके लिए आप एक लाइक कर दिया करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इससे आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके इस काम से हमारे जो हौसले होते हैं वो बढ़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होने जा रहा है। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपडेट की जाने। तो डियर व्यूवर्स स्टूडेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के सामने मैं आ चुका हूँ राइटर बे कैश फॉर एवरी वर्ड। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने एक वेबसाइट है, रियल अर्निंग है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ राइटर बे कैश फॉर एवरी वर्ड, ये आपके सामने है। इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है सारी डिटेल आपको बताऊँगा, पेजेस के हिसाब से आपकी अर्निंग का सारा मुकम्मल तरीकाकार, तो पूरा देखिएगा समझिएगा। अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है अपना ईमेल फर्स्ट नेम आपने एंटर करना है, फिर आपने लास्ट नेम एंटर करना है इस ब्लॉक के अंदर, फिर आपके सामने है नेक्स्ट जो है वो है ईमेल आपने देनी है, और उसके बाद आपका अप्लाई नो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको आपने किस तरह फॉलो करना है, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है कि आप वो यूज़ कुकीज़ एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंसेस बाय शोइंग मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट एंड अंडरस्टैंड हाउ यू एंड अदर विजिटर्स यूज़। प्लीज़ रीड आवर पॉलिसी, June 1, 2018 के अंदर पॉलिसी इनकी लॉन्च की गई थी। उसके बाद यहाँ पर आइए एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें आपके सामने टाइपिंग जॉब्स के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डेज। अब यहाँ पे जो है पूरी डिटेल समझें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपके सामने है राइटर, ये नंबर है इसका, इस नंबर के ऊपर जो है कितने डॉलर्स जो है यहाँ पे अर्न हो रहे हैं, 2648 जो है US डॉलर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे राइटर नंबर ये है, इसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे इसके 2394 डॉलर हैं। ये मुख्तलिफ जो डॉलर्स हैं यहाँ पे अर्निंग कर रही हैं, इसमें जो है आपने कैसे अर्निंग करनी है सारी डिटेल समझें। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, यहाँ पे आपकी कोई जो है सबसे मेन जो बेनिफिट है वो है कि कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, फ्री लाइफ टाइम मेम्बरशिप है, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जो मेन चीज़ है कि द राइट टू मैनेज द वर्कलोड ऑन योर ओन कम्पिटिटिव सैलरी, ये भी आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे है एनफ रूम, यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, राइट स्पोर्ट टीम अवेलेबल, यहाँ पे आपके लिए राइटर स्पोर्ट टीम जो है राइटर बे की जो स्पोर्ट टीम है वो आपको 24/7 आवर्स जो है वो मिलेगी। एनफ रूम है पर्सनल ग्रोथ के लिए, आप यहाँ पे बहुत आपको हैंडसम पैकेज दिए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑफर क्या किया जाता है पूरा समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। समझ आ गई तो फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। इट इज ऑल अबाउट फेयर प्ले, देयर इज नो कैच, इट इज इजी। writerpay.com ऑफर्स फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स, ऑल यू हैव टू डू द स्टार्ट मेकिंग मनी इज टू अप्लाई योर एक्सपर्टीज फ्रॉम द कंफर्ट योर होम, आवर यूजर फ्रेंडली कंट्रोल पैनल मेक जॉब्स हंटिंग इजी एंड सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। यहां पे आपके लिए
जो जॉब्स हैं वो फुल और पार्ट टाइम अर्निंग कैपेसिटीज़ दोनों दी जाती हैं। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना प्रोजेक्ट्स जो है उसको लाइक करते हैं, चूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटी आपको दी जाती है। फिर यूज़र जो है वो फ्रेंडली इंटरफेस के अंदर जो है वो काम कर सकता है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कम अज़ कम जो है बैचलर डिग्री, हायर अकेडमिक लेवल, राइटर्स गेट एक्सेस टू मोर कम्प्लेक्स जॉब्स भी दे सकता है। एबिलिटी टू यूज़ आइदर ऑफ द पेमेंट ऑप्शन वी स्पोर्ट सी आवर पेमेंट्स पेज। अगर जब आप पेमेंट्स ऊपर जाएंगे वहाँ से आपको सारी पेमेंट्स मिलेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड का है वो कर सकते हैं। अगर आपके बैचलर डिग्री एक्सपीरियंसेस है वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, फील फ्री टू अप्लाई अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म, फिजिक्स, एडवर्टाइजिंग, एनवायरमेंटल लॉ, पोएट्री, आर्ट्स, आर्किटेक्चर स्टडीज, लीडरशिप, ये सारी डिटेल्स, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, फिल्म स्टडीज, एविएशन, जो भी आपने किया हुआ है ये सारे देखें। नीचे कितने इसके अंदर जो है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स, स्टैटिस्टिक, लिटरेचर, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिल्म स्टडीज़, एथिक्स, एविएशन, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर, जियोलॉजी, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। पेजेस के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। एजुकेशन होना सिर्फ वो भी ज़रूरी है, एजुकेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। अब आप नेक्स्ट जो है वो देखें, यहाँ पे जो टॉप 10 जॉब्स हैं अवेलेबल विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको मिलेंगी। बिजनेस है उसके अंदर आपको 90 पेजेस मिलते हैं और आप उसमें 90 पेजेस से $720 तक अर्न कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको 18 पेजेस हैं वो आपको $144 तक आप जा सकते हैं, $450 55 पेजेस का है। और लिंग्विस्टिक का ये मुख्तलिफ पेजेस की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे फिजिक्स के हैं 17 पेजेस, आप टाइप करेंगे तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे। तो आप जिस भी फील्ड के कार्य करेंगे आपको उस हिसाब से पर पेज जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पेजेस के हिसाब से आपकी जो है डिवीजन आपके सामने की हुई है। अब आपने काम कैसे करना है, ये मेन चीज़ है कि आपने समझना है कि काम कैसे करना है। आफ्टर यू हैव बीन अप्रूव टू स्टार्ट वर्किंग यू कैन लॉग इन इन टू योर अकाउंट एंड व्यू ऑल अवेलेबल जॉब्स। जब आप अप्रूव्ड कर लेंगे, अपनी ईमेल दे देंगे, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सारा लिख लेंगे, उसके बाद आपने लॉग इन करना है, आपने अपनी अवेलेबल जॉब्स देखनी है। अवेलेबल जॉब्स में से फिर आपको क्या मिलेगा, इफ़ यू आर असाइंड टू दिस जॉब यू कैन स्टार्ट वर्किंग, मेक श्योर यू सबमिट कंप्लीट वर्क बिफोर द डेडलाइन। आपने अपना काम मुकम्मल करना है डेडलाइन से पहले। उसके बाद यू हैव विल हैव टू चांस टू अप्लाई टू द फ्रीलांस राइटिंग प्रोजेक्ट्स इन द यूजर कंट्रोल पैनल व्हेन एवर यू फील लाइक। उसके बाद इफ़ यू कॉन्स्टेंटली डिलीवर हाई क्वालिटी राइटिंग, अगर आप हाई क्वालिटी राइटिंग करते हैं तो फिर आपको बोनसेस भी दिए जाएंगे, देखें इसमें बोनस भी मिलता है। फिर आपने अब नेक्स्ट जो है ये तो आपको समझा दिया, अब आपने 4 सिंपल स्टेप्स जो है वो ज्वाइन करने हैं। इस तक पहुँचने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपने 4 सिंपल स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना है। अब वो सबसे पहले आपने फिल आउट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। फिल आउट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने ट्यूटोरियल जो है और शॉर्ट क्विजेज जो हैं उनको एक दफ़ा आपने इसके ऊपर काम सीख लेना है। फिर आपने क्या करना है, राइट अ शॉर्ट प्रॉम्प्ट एंड अपलोड एन एसे सैंपल। आप जो है आपने एक एसे सैंपल आपको दिया जाएगा, उसके आपने शॉर्ट नोट लिखना है। अपने फ़ोटो जो है हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट की और CV जो है वो भी आप अपने अपलोड आपने करनी है, ये करना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि आवर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फेयर हैं, प्राइस वी मे यू वर्क इज़ हाई, आवर यूज़र फ्रेंडली, कंट्रोल पैनल इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर मैक्सिमम ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द राइटर्स, बिजनेस मॉडल इज़ डिफरेंट फ्राम देयर कंपनीज। उसके बाद कंप्यूटर यूजली 50-75% कस्टमर पे जो है वो जॉब करते हैं, यानी 75% जो है वो आपको दिया जाता है जो काम करेंगे। बाकी उसके अलावा जो है कुछ इनके टैक्सेस होते हैं जो पे करते हैं या आगे जो कंपनीज होती हैं उनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, रजिस्टर्स होने के बाद आपने यहाँ पे जो है ये सारा डिटेल जो है वो लिखी हुई है। अब आपके सामने जो है मुख्तलिफ इसके ये तो होगी सारी डिटेल, अब आ जाएं साइड पे जो है ये 3 डॉट्स आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे देखें कि पेमेंट्स के हिसाब से क्या है। पेमेंट्स देखते हैं, पेमेंट्स आपको किस तरह मिलेंगी, पेमेंट्स प्रोसीजर इसका क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आपके देखें कि आपको जो है पेमेंट्स में आपको मिलेगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, 1st to 5th एंड मिडल 16 to 20 हर मंथ की आपको फंड्स दिए जाएंगे, वो आपने विड्रा करने हैं। 1st and 16th जो है ना, यानी उस डेट के अंदर अंदर आपने विड्रा कर लेने हैं। उसके बाद जो है मनी जो है वो कितनी होनी चाहिए,
$100 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। $100 जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो आपका जो है वो आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी। अगर पेमेंट का बैलेंस जो है वो $100 तक नहीं पहुंचा तो बैलेंस आपके अकाउंट में ही रहेगा। जब नेक्स्ट पे आउट आएगी, $100 क्रॉस करेंगे तो आपने वो निकलवा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें, पेमेंट ऑप्शन डिटेल जो है वो टिल 12th and 6th 27th ऑफ ईच मंथ करस्पॉन्डिंग, इसमें अंदर आपकी जो है ये पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपके सामने है वेब मनी, उसके बाद हाइपर वॉलेट है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपके पेओनियर है, यहाँ से आप ले सकते हैं। एवरेज पेमेंट रेट्स, इसमें यहाँ पे आपको काम कैसे करना है, राइटर लेवल देखें, यहाँ पे आपने काम करना है रेगुलर, एडवांस्ड, प्रो लाइट, प्रो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना है रेगुलर के अंदर क्या है। ये देखें, मैं पीछे कर रहा हूँ, पेजेस पर डे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है पेजेस पर डे, यहाँ पे मैंने ज़ीरो पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये भी आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें इसको आगे चल रहा है, ये टोटल कितने आ गए, 15। ये आपको 15 पेजेस पर डे मिलेंगे, ठीक है। रेगुलर के अंदर आपको 15 पेजेस का काम मिलेगा। उसके बाद आगे देखें, ये देखें डेज वर्क पर मंथ, पर मंथ के अंदर आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे जो है आपको पर मंथ में 25 टोटल मिलेंगे, ठीक है, 25 दिन आपको काम करने पर। अब यहाँ पे देखें आप काम अर्न कितना कर सकते हैं, कितनी हैवी अमाउंट है जो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे मिलेगा। द मेंशन रेट्स आर अप्रॉक्सीमेट एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेडलाइन एंड असाइनमेंट स्पेसिफिक सच एज सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड अकेडमिक लेवल, यहाँ ये स्पेसिफिक है और इस अकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पेमेंट दी जाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो रेगुलर का था, एडवांस्ड के अंदर क्या है। आपको ज़ीरो पे आ गए, पेजेस टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे तो है, दोबारा इसको मैं प्रोसीजर को आपको दिखाने लगा हूँ। ये आपको मिलने कितने हैं जी पेजेस, दोबारा से एडवांस्ड के अंदर आ जाएं, ठीक है। पेजेस पर डे आपको मिलेंगे एडवांस्ड में 15, और टोटल जो है इसके अंदर कितने मिलेंगे, 25। और आपको यहाँ से अर्निंग जो है वो कितनी होगी, इतनी अर्निंग आपको यहाँ से होगी, तो ये आपने करनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो हो गई प्रो लाइट के अंदर, ये आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। प्रो लाइट के अंदर आपको 15 टोटल मिलेंगे, मैं इसको पीछे बैक पे जाता हूँ, ये 15 टोटल मिलेंगे, 25 दिन हो गए, $4,031 ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो प्रो के अंदर कितने होंगे, प्रो के अंदर भी इसी सेम क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे आपको काम थोड़ा सा अच्छा मज़ीद करके देना होगा। आपको $5,040 तक आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ के अंदर, कितनी हैवी अमाउंट है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा मैंने प्रोसीजर समझा दिया। अब नेक्स्ट देखें, ये आपके रेफरल प्रोग्राम भी है, अगर आप रेफ़र करते हैं तो आप जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं, आपको उसका भी कमीशन मिलेगा रेफरल प्रोग्राम का भी। ये देखें रेफरल प्रोग्राम के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब कि इसके अंदर कमीशन होते हैं, तो आपको कमीशन भी दिए जाएंगे। गेट 3% ऑफ ईच ऑर्डर कम्प्लीटेड बाई योर रेफरल, तो रेफरल्स के ज़रिए 3% वो भी आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ रेफरल फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट है वो अपना अकाउंट जनरेट करना है। यहाँ पे जो है आप बैक पे आएंगे, ठीक है, बैक आने के बाद बैक पे आना है, ये सारी डिटेल जो है आपको मैंने समझाई है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा। ये बैक पे आ गए, यहाँ पे राइटर बे की वेबसाइट है, ये आप अपना जो है फ़र्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, ईमेल लिखें, अप्लाई नो कर दें, आपका जो है ये सारी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद आप जो है जब ये सारा काम करेंगे, ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन की करें, और उसके बाद आप अप्लाई नो करें, फिर वही जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा आप इन्जॉय करेंगे और आप अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स लेके आऊँगा। हाँ, टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें, सारी बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर आके। थैंक यू वेरी मच।